हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। और दोपहर के अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखी। और अभी मैं परी के लिए लगा रही हूँ टीवी में कार्टून, और मैं अभी सो गई थी। सुबह का जो खाना था ना, वो बना के खा के और परी को भी खिला दी थी। मतलब हम खा पी के और मैं सो गई थी। कम से कम 2-2.5 घंटे तक सोई रह गई हूँ, और परी नहीं सोई थी, ये फ़ोन देख रही थी। और कमरे में देखिए आप लोग क्या क्या है, मतलब इन सब चीज़ों से ये खेल रही थी। जो खेलने का चीज़ नहीं रहता है उन्हीं से ये खेलती है, तो ये खेल रही थी और कमरे का हालत ख़राब कर दिए ये। और मैं जो है ना, सुबह पोछा नहीं लगाई थी, झाड़ू झाड़ू बस लगा दी थी, और वैसे ही थोड़ा सो गई थी मैं। तो थोड़े सोने के चक्कर में 2-2.5 घंटे सोती ही रह गई हूँ, तो अभी जगी हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं नहाई हूँ और परी भी नहाई है। परी सुबह नहा ली थी, लेकिन मैं नहाती हूँ या इसके पापा नहाएंगे तो ये ज़रूर हमारे साथ नहाती है। तो मतलब दोनों में से कोई से नहाएंगे तो ज़रूर नहाएगी। तो फिर से नहा ली है, तो इसे भी अभी मैं कपड़े उपड़े पहना दी हूँ और लगा दी हूँ अभी टीवी में कार्टून, ये बैठ के देखेगी। और मैं अपना जो काम है वो काम ख़त्म करूँगी, और जो है इतने में टाइम हो जाएगा शाम का खाना भी बनाने का। पतिदेव नाइट ड्यूटी अभी चल रहा है इनका, तो इन्हें मतलब खाना वाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। तो फिर मैं ये सब काम जो है वो अपना ख़त्म करूँगी। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है 2-3 दिन से, इतना भयानक गर्मी। मतलब उधर जितना गर्मी हो रहा था ना, उतना ही ज़्यादा गर्मी इस समय फिर से होने लग गया है। तो रात में भी नींद नहीं आती है और दिन में भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और छत पे मैं परी को लेके जाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ठंडा लगने लगेगा तो फिर कौन लेके आएगा। मतलब दिमाग ख़राब है मेरा, इतना गर्मी है तो इसीलिए नींद ही नहीं आता है। रात में 3 बजे रात को सोई थी जाके, 3 बजे से पहले मुझे नींद ही नहीं आया। और पता, और फिर सुबह जग गई थी 8:30 बजे, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आता मुझे 12। वैसे तो मैं डेली 12 बजे 1 बजे ही सोती हूँ, लेकिन ना आज मैं 3 बजे तक जग रही थी। 3 बजे जाके मुझे नींद आया, 3:30 बजे करीब मैं सोई थी। तो इसीलिए दिन में आज सो गई हूँ मैं। और ये देखिए अभी पोछा ओछा लग गया है। और कल रक्षाबंधन था, तो आप में से कौन, किसका किसका बढ़िया से रक्षाबंधन बीता आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन दीदी लोग जो अपने मायके गई थी रक्षा बांधने, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और हमारा राखी इतना अच्छे से नहीं जाता है, तो इसीलिए क्योंकि परी का भी कोई अभी भाई नहीं है, उसके 2 भाई हैं उसके दोनों बड़ी मम्मी के, तो एक जनी तो गांव है और एक जनी तो अपने मायके गई हुई हैं, तो दोनों भाई उसके भी नहीं हैं, वो भी उसका भी राखी नहीं मना। और इसके मतलब मेरे कोई ननद भी नहीं है, हस्बैंड जी के कोई बहनें भी नहीं हैं, तो वो भी मतलब उनका भी हाथ सुना सुना ही रहता है। और मेरा तो एक भाई है, लेकिन वो नाम का है। हमारा बस भगवान एक रिश्ता बना के भेजे हैं कि मतलब एक भाई बहन का, लेकिन ज़मीन पे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब ना वो मुझे भाई बहन मानते हैं, ना मैं उन्हें भाई मानती हूँ। मतलब हमारे रिश्ते में कड़वाहट है, तो मैं तो कभी राखी नहीं बांधती हूँ। मुझे राखी बांधे कम से कम हो गए होंगे, मैं वही 8-9 साल की रही होगी तभी उन्हें राखी बांधी होगी। तब से उनका और मेरा कोई मतलब रिश्ता ही नहीं है, और राखी बांधने का तब से मैं आज तक राखी नहीं बांधी हूँ उन्हें। तो बस मतलब हमारा राखी तो ऐसे ही गया, लेकिन हस्बैंड जी मतलब हस्बैंड जी भी उदास थे, मैं भी थी। और परी जो है उसे तो अभी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन कल गए थे हस्बैंड जी बाहर से ही खाना लाए थे, और मिठाइयाँ उठाइयाँ भी हमारे लिए लेके आए थे, और रक्षाबंधन लेके आए थे, तो परी अपने पापा को बांध दी थी कल। तो यही सब था, कल का हमारा दिन ऐसे ही निकल गया। मैं कोई ब्लॉगिंग भी नहीं की, मेरा मन ही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं मन किया। और हमारा जो है ना, साल में दो ही तीन त्यौहार, दिवाली होली एक दो त्यौहार ऐसे होते हैं जो हमारा मनता है, नहीं तो बाकी यहाँ पे और त्यौहार मनाते ही नहीं हैं, और जो मतलब और रहते हैं और हमारा कोई है ही नहीं, तो फिर मतलब क्या बताएं आप लोगों से। तो बस हमारा तो ऐसे ही गया रक्षाबंधन।
तो आप लोगों का कैसा कैसा गया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो बर्तन वर्तन धुले थे, ये बर्तन धुल के ही मैं सोई थी, तो बर्तन अभी मैं पानी निकल गया था तो लगा दी हूँ जाल में, और किचन में भी पोछा लगा दी हूँ, कमरे में भी सारा मतलब ये सब क्लीन हो गया है, अच्छे से एकदम सफाई हो चुका है। तो अभी मैं चल रही हूँ, ये मसालदानी उस दिन जब किचन साफ की थी तो नहीं इसे धुली थी, तो ये ना मसालदानी जल्दी से ख़राब होता है, मतलब ये नहीं ख़राब होता है, इसका ढक्कन जो है ना वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, धुलने लायक हो जाता है, तो उसे मैं अभी धुलूँगी, तो दोनों ही साथ में ही धुल दूँगी। तो मैं अभी पानी रख दी हूँ, रख दूँगी अभी गर्म होने के लिए। उससे पहले परी कह रही है मम्मा मुझे खाना चाहिए, तो अभी मैं उसे दे दे रही हूँ दाल और चावल, और जब भी धो तो खाती नहीं है, एक दो चम्मच खाएगी बस ऐसे ही फेंक देगी, लेकिन जब जिद करेगी तो उसे देना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं उसे दे दे रही हूँ दाल और चावल खाने के लिए। आज सुबह दाल चावल वैसे सबके लिए बना था, तो दाल चावल सब्जी बनाई थी मैं, और अभी ये रखी थी मैं सूजी, उस दिन सूजी जो मंगाई थी मैं तो थोड़ा बच गया था, तो ऐसे ना रखे रखे कागज़ में ये ख़राब हो जाता है, और डिब्बा उब्बा छोटा सा है ही नहीं कि रख दूँ डिब्बे में, तो कागज़ में रहता है ना तो जल्दी से ये फुआ लग जाता है इसमें। तो मैं अभी चल रही हूँ इसका हलवा बना दूँगी, और मीठा मीठा कुछ हो जाए, मतलब मीठा तो ज़्यादा ही खा ली हूँ मैं कल से, कल भी काफ़ी ज़्यादा खाई थी, लाते हैं हस्बैंड जी जब भी मीठा तो वो नहीं खाते हैं, परी भी नहीं खाती है, मैं ही खाती हूँ ज़्यादा, तो कल से आज तक खाई हूँ। अभी रस मलाई जो है रखा हुआ भी है, तो ऐसे सूजी मतलब खरीदा हुआ है, तो आप लोगों को पता ही है नुकसान जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया है, तो इसमें बस अभी पानी और चीनी डाल दूँगी और ढक दूँगी, बस अभी ये अपना हो जाएगा। और एक तरफ दूसरे तरफ जो है ना पानी भी रखी हूँ, गर्म हो रहा है मेरा तो, और गर्मी इतना तेज़ है ना, किचन में रुकने का मन नहीं कर रहा है, यही मन कर रहा है बस किचन से अभी निकलो और बाहर चले जाओ, लेकिन जो है काम तो करने ही पड़ेंगे, चाहे किचन के हो घर के हो, कोई भी काम हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो ठंड हो बरसात हो कोई भी मौसम हो, हम हाउसवाइफ को तो काम करना ही पड़ेगा, हम हाउसवाइफ को ही नहीं सबको, मतलब जिनका जो काम है अपना अपना सारा काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी मौसम हो। तो वही है, पानी गर्म हो गया था तो अभी मैं इन्हें धुल दे रही हूँ, और यही एक ही बस बचा है, उस दिन ना काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था डब्बे उब्बे धोते होते, तो इसीलिए मैं उस दिन इसे छोड़ ही दी थी, और फिर शाम को सब्जी भी बनाना खाना भी बनाना रहता है, इसीलिए उस दिन भी यही काम था मेरा। तो एक तरफ जो है मेरा हलवा भी हो जाएगा, और इसे भी मैं अच्छे से धुल दी हूँ और अभी साफ हो जाएगा, बस ये ज़्यादा समय का काम नहीं रहता है, लेकिन इसे हमेशा धोना पड़ता है, इसका ढक्कन जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इसीलिए। और बस ये जो एक दो बर्तन थे हाथ ही लगे, इन्हें भी धुल दे रही हूँ, नहीं तो फिर ये रखे रखे धीरे धीरे दो चार बर्तन करते करते सारा ही बर्तन हो जाता है। और ना अभी जब बाल धुली थी मैं, नहाई हूँ तो हल्का गीला ही था, तो वैसे ही जूड़ा कर ली थी, तो गर्मी की वजह से ना गीले बाल हो और जूड़ा कर लो ना तो अजीब सा होने लगता है, सिर में जैसे लगता है कि दर्द हो रहा है। तो बस काम करना था ना, इसीलिए सुखाने का टाइम नहीं मिला है, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो कमरे में थोड़ी देर पंखा में खड़े हो जाऊंगी, तो बाल सूख गया है थोड़े देर, और हलवा भी मेरा हो गया था तो हल्का हल्का ठंडा हो गया है, तो अभी दे दे रही हूँ परी को भी, उसके पापा को भी, मैं भी, अभी वो भी सो के जग गए हैं, अभी कम से कम बज गए होंगे, काम वाम करते करते बज गए हैं, हमारा 5 बजने वाला है। तो फिर ये कपड़े मैं 3-4 दिन के कपड़े हैं ये बेड पर ही पड़े हैं, मैं इन्हें ना रख नहीं रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी ना सेब को पूरा खाली करके और झाड़ूंगी फिर जो है कपड़े रखूंगी, तो मुझे लगा इन्हें क्या तय करके रखूं, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो अभी फ़िलहाल के लिए रख दे रही हूं। टाइम मिल रहा है लेकिन गर्मी है ना, तो पंखा वंखा बंद करके काम करने का मतलब ये समझिए कि चक्कर आ जाएंगे, कोई भी हो इतना भयानक गर्मी है 10-20 मिनट ही नहीं रुका जाएगा, और सेब खाली करके फिर उन्हें तह लगा के साफ करके ऊपर से भी साफ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसे तह करके रख दे रही हूँ, क्योंकि चूहे इसमें ना घुस जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे साफ करना है चूहों के वजह से। तो चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा।